क्या कर रही है? सफेद। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे वो क्या कर रही है? गंगा जल मंगवा लो निम्मी, जा जा गंगा जल लेके आ फटाफट। ये तुलसी अपने मुंह में डाल रहे हैं, ऊपर से गंगा जल पिला देना, बस हमारा क्रिया क्रम कर दो यहीं पे। हमें हरिश्चंद्र घाट ले जाओ, यही सब खत्म हो जाएगा। क्या कर रही है? बचेगा सब, यही खत्म हो जाएगा। आज कल को रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अब तो यही हम चाहते हैं। भोग डालो, भोग डालो, भोग डालो। किस्मत में कहा लिख दिया इतना तो। अरे उठ जा सरला। हमारी वजह से घर गिर भी हो, हमारी वजह से जेवर बिके, वैसे भी हमारे तो आदमी काम नहीं करता है ना, तो हम तो वैसे ही दुनिया में बोझ बने हो। अल्लाह काबू कर खुद पे। नहीं भैया, जो भगवान ही हमारे साथ है, तुम लोग तो भैया तुम इंसान हो ना। अरे काबू रख खुद पे। अरे हटाओ उठ जा, उठ जी, हटाओ इस सफेद चादर, बैठ। भैया हमें मर जाने दो, हम सच्ची में जीना नहीं चाहते। ना इस तरह की बातें ना कर, कह रहे हमारा भी दिल बैठा जाता है, चुप रह जरा बस। भैया देखो सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। कोई कहता है हमारी बीमारी सच्ची नहीं है, कोई कहता है हमारा डॉक्टर कथे घोड़ों का डॉक्टर है, कोई कहता है हमारी जांच रपट झूठी है। इसलिए हम तो साध्वी बन के बस बाकी के दिन गुजारना चाहते थे, वो भी पसंद नहीं आया किसी को। अब बताओ जान देने के अलावा हमारे पास और क्या रास्ता बचा? काहे बिफर रही है, काहे बिफर रही है, है? कि सबको तुम्हारी फिकर है, ई लाने तो सब कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अगर हमारी फिकर है ना सबको, सब हमारा अच्छा चाहते हो, तो हमें अकेला ही छोड़। अरे काहे टाए बोली चली जा रही है सरला, काहे नहीं जरा काबू रख खुद पे, चुप कर जरा। भैया हम बता रहे हैं सब पैसों का ही मसला है, आजकल के बच्चे बताओ पता नहीं कहाँ चलता रहता है इनके दिमाग में। कोई डॉक्टर के ऊपर अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहता, हम समझते हैं कोनो बात नहीं है, इसीलिए नए नए डॉक्टरों का नाम लेते रहते हैं। अरे हम कह रहे हैं भोला डॉक्टर, एक इकलौता डॉक्टर जिसने हमारा कैंसर पहचाना, किसी ने पहचाना नहीं, हमें उस पर विश्वास है, वो ही दुनिया में एक है जो हमें ठीक कर सकता है। हम उसी से ठीक होना चाहते हैं, अगर उससे इलाज नहीं हो सकता तो हमारी अर्थी सजा दो भाई। अब देंगे कंटावे खींच कर तुमने कान के नीचे, अब बता रहे बहुत देर से सुन रहे हैं सबको, चुप रहो एकदम। वो कैसी बातें कर रहे हैं यार, आप अच्छे से जानते हैं हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। एक झपकी नहीं लिए कल रात से किसी ने यहाँ पर घर में, सबके सब परेशान बैठे हुए थे, किस तरीके से पैसे का इंतजाम हो, किस तरीके से कोई डॉक्टर ऐसा खोजा जाए जो तेरा इलाज कर सके, बात कर रहे हैं यहाँ बैठी। भैया अगर सच में तू हमारा भला चाहते तो भोला डॉक्टर से ही हमारा इलाज कराओ, भोले ही है जो हमें ठीक कर सकता है, हमें विश्वास है ना उस पे। देखो भैया अम्मा, अगर दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर 15-15 लाख रुपए फीस मांगते हैं, 15 लाख रुपए कोई चीज होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे भैया का इतना बड़ा नुकसान हो, इससे तो अच्छा है कि हम अपनी जान नहीं दे। फिर वो कहानी सुनानी शुरू कर दी, कछुनाई होगा तुम्हें। चुप कर पहले, एकदम चुप। अच्छा आवाज नहीं आनी चाहिए, अब पानी लेकर आओ उसके लिए, कुछ खुद ही लगी पानी पीने में, यहाँ पे ले, इसी से काम चला अब तक। सरला सरला चुप कर जा, काहे चिंता कर रही है, हम सब है ना यहाँ पर तेरे साथ। हम कहीं और नहीं जाएंगे इलाज कर। ये अच्छे डॉक्टर के पास जाना क्यों नहीं चाहती? क्या पता, ये बात तो है, बुआ जी डर क्यों रही है किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने से? हाँ कहिए। नहीं नहीं आ पाएंगे,
अरे नहीं संभव, हमने बताया हमने भाई घर में यहाँ परेशानी है कुछ, अपनी बहन को लेकर डॉक्टर के पास जाना है हमें, इलाज विलाज का कुछ है मामला। अभी फिर फोन ना करिएगा अभी। बताओ आज हमारी वजह से हमारे भैया ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे, कितने बदनसीब है हम, हमें तो मर ही जाना चाहिए। तू फिर रघुआ तू जा काम पे, हम है यहाँ। नहीं अम्मा नहीं जाएंगे काम पे, वहाँ फालतू में मन लगेगा नहीं, हमारा काम हो नहीं पाएगा हमसे। ना हम है यहाँ, तू जा, कब तक वापस लौटेगा? अभी जाएंगे अगर तो फिर रात के 10 तो बजेंगे। हाँ तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जा यहीं रहोगी तुम। हाँ बाहर नहीं लेके जाएंगे, यहीं कराएंगे तुम्हारा इलाज, ठीक है? चुप चुप लेकिन रात को वापस आप फिर बात करेंगे इस बारे में। हाँ अरे सुनो बेटा, देखो जरा यहाँ पे बात करके अपनी बुआ के साथ जरा उनको समझाओ कि दूसरे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, जरा बात करके देखना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी और बुआ जी को भी मना लूंगी। जरा ऐसे इत्मीनान से बात करना, घबराई हुई। आते हैं हम तैयार होकर जरा। टारगेटर पीटर प्रॉमिस कर दिया हमारे भैया को। अब कुछ नहीं बुआ जी, कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं रहने दो, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। कहाँ फुसफुस आ रही थी, हमने कह दिया है हम अपना इलाज यहीं पे कराएंगे और भोला से ही कराएंगे, वरना हम अपना इलाज कराएंगे। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।